हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, एनसीईआरटी का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट वन कल मैंने पढ़ा दिया, आप एक बार से चेक कर लीजिएगा। एंड आज का जो आपका सेशन है वो है पार्ट टू। आज सुबह 10:30 बजे, नहीं 8:30 बजे क्लास जो था वो नहीं हो पाया था। उसका रीज़न ये था, लैपी हैंग कर गया था यार, इसलिए करंट अफेयर्स भी आज 2 पार्ट में हुआ था। तो सॉरी फॉर दैट, बट कल से अपना कंटिन्यू रहेगा जैसे भी था। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। एंड सेकेंडली, आपका स्वदेश दर्शन जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है कब से, ये कल से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये ध्यान रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि स्वदेश दर्शन जो स्टार्ट होगा ये उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो पहले देख चुके हों या फिर ना देख चुके हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाओगे। तो ज़रा हम लोग देखेंगे इसको, कल से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका कितने बजे। इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1/2 आवर का, आधे घंटे का आपका ये टाइम पीरियड रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सेशन है आपका अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा तो कोई एज सच इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ, साइंस की एनसीईआरटी आपकी चल रही है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, जो नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ इस क्लास को वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए, दोपहर में 2 बजे होती है। चलो, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए देन डू सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल मैप। जो फिजिकल मैप्स होते हैं ना, उन फिजिकल मैप्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे थे, मतलब कुछ नहीं, एक दो ही थे, जिनका कहना ये था कि मैम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दीजिए। अरे बुद्धू, जब ये 6th और 7th की है तो कैसे क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ा सकते हैं, सवाल तो वहीं से निकालेंगे ना। तो जब आपकी 8th और 9th की बुक आएंगी या फिर जब आपकी 10th और 11th की बुक्स आएंगी, तो वो लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है माउंटेन्स भी होंगे, प्लेट्यूज भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, ओशंस भी होते हैं। ये चारों की चारों चीज़ें उसके अंदर मैंशनड होती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी भी एटलस के अंदर आपको बाउंड्रीज लिखी हुई नहीं नज़र आती, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है तो कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, या इंडिया बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ है तो आपको मैप पे लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो जो मैप होता है, आज ये नई चीज पता चली होगी, हाँ या ना, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज अ मैप शोइंग द स्टेट, टाउन, सिटी एंड विलेज। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मैप है जिसके अंदर स्टेट, टाउन, सिटी, विलेजेस, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग स्टेट के अंदर की, तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कहते हैं। फिजिकल मैप होगा, पॉलिटिकल मैप होगा, थीमेटिकल मैप होगा, या फिर नन ऑफ दीज, आपको इसका आंसर करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉलिटिकल मैप होता है। क्या होता है ये, पॉलिटिकल मैप। अगला, व्हाट आर इंक्लूडेड इन द थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में फिर क्या होता है, इस मैप के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको रोड मैप मिलता है, रेनफॉल के मैप्स मिलते हैं, और वो भी सारे मैप मिलेंगे जो आपके फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोपोग्राफिक शीट, उम्मीद करेंगे कि सभी ने पढ़ी होगी टोपोग्राफिक शीट। वो एक शीट होती थी ना, उस पर मंदिर वगैरह कहाँ पे हैं या फिर कहाँ पे ईंटे पत्थर मिलते हैं, ये ऐसे हर एक चीज़ उसके ऊपर बनी होती थी। तो बस आपको यहाँ पर यही बता रहा है कि ये थीमेटिक मैप जो होते हैं उसके अंदर इन तीनों चीज़ों को बताया जाता है। अगला, विद रेफरेंस टू द मैप विच डायरेक्शन आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट, यानी कि मैप पे ऐसा कौन सा वाला डायरेक्शन होता है जिसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स। क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ये जो डायरेक्शंस हैं आपके, इनको दिखाया जाता है मैप पे, और इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। कल से मैपिंग ऐसे ही पढ़ने वाले हो तुम लोग, है ना, क्लास में ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, दिस इज कार्डिनल पॉइंट। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं। कई बार ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं। देखो, कन्वेंशनल सिंबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है ना, तो उसके अंदर कोई सिंबल यूज़ किया जाता है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एम स्मॉल ओ कैपिटल यू, ऐसे ही तो लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि टोपो शीट के ऊपर आपको देखने को मिलता है कोई मंदिर बना है, तो वो मंदिर की ऐसे लोकेशन होती है। मान लो कि कहीं पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है तो ऐसे क्लाउड्स बने होते हैं। तो ये आपको ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़ है जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ में जुड़ी है, तो उसके लिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो ये है ना।
अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कट रहा हो, बट कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ सवाल में क्या लिखा है। सवाल में दो स्टेटमेंट लिखे हैं, अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू द स्केल इज नोन एज स्केच। स्केच क्या होता है? बचपन में कहते होगे ना कि मैंने स्केच ड्रॉ किया है ना। तो ये जो स्केच वाली बात है, अगर हम इसकी बात करें तो ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी कि मेमोरी के बेसिस पे जो भी हम ड्राइंग यहाँ पे बनाते हैं, या फिर अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को देखते हैं और अगर वो किसी भी स्केल का इस्तेमाल करके उसको नापा नहीं गया है, क्या हम उसको स्केच कह सकते हैं? आप मुझे बताओ हाँ या ना। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है, अ ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल इज नोन एज प्लान। लेकिन अगर किसी भी एक छोटे से एरिया के ऊपर अगर कोई बड़ी चीज़ आपने ड्रॉ करी है तो उसे हम प्लान कहते हैं। तो इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्चुअली दोनों ही करेक्ट हैं। स्केच की ये डेफिनेशन होती है और प्लान की डेफिनेशन होती है। कल से यही डेफिनेशन यूज होगी। अगला बताओ, राइन वैली एंड वर्जेस माउंटेन, ये दोनों जो हैं ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता। दूसरा लिखा हुआ है हॉस्ट एंड ग्रेबिन, ये क्या है? ये एक तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। देखो फोल्ड माउंटेन में अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप हिमालय का एग्जाम्पल देख सकते हो, ब्लॉक माउंटेन में अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो आप रॉकी माउंटेन का एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हैं। अब सवाल आपसे कह रहा है कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है? तो देखो वलित पर्वत, यानी कि अगर कोई भी एक ऐसा माउंटेन है जो इस तरीके से ऊपर की साइड पे उठता जा रहा है जहाँ पे आपको सेडिमेंट का डिपोजिशन देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? फोल्ड माउंटेन कहेंगे, पहली चीज। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? देखिए जैसे कि मैंने आज सुबह के क्लास में आपको बताया था कि वो टेबल वाला जो नेशनल पार्क है ना, वो आपने देखा था ऊपर की साइड पे पूरा फ्लैट है, यही तो बताया था ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये इस तरीके से आपको ऊपर से पूरा फ्लैट देखने को मिलते हैं, इसके आसपास का जो एरिया होता है वो नीचे की तरफ धंसा होता है और ये हिस्सा ऊपर की साइड पे उठा हुआ होता है, इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो सवाल में आपको दो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वाला करेक्ट है। तो आपको बता दें राइन वैली जो है वो फोल्ड माउंटेन का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, वोजिस माउंटेन जो है ये भी फोल्ड माउंटेन का हिस्सा नहीं है, ये क्या है? दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन। क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। आप मैप में देखोगे जहाँ पे आपको फ्रांस और जर्मनी मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और हॉस्ट का मतलब क्या है? हॉस्ट का मतलब है ये जगह है लेकिन इसके आसपास की जो इधर इधर जगह है वो क्या हो गई? नीचे की तरफ धस गई है। यही तो फीचर होता है किसका? ब्लॉक माउंटेन का। अब ध्यान रखना कि ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं और फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, इनके ऊपर डेफिनेशंस कई बार पूछी गई हैं। अगला सवाल, अरावली की जो पहाड़ियाँ होती हैं ये ओल्डेस्ट रेंज है हमारे पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, हो सकता है। दूसरा लिखा हुआ है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये कंटिन्यूस हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। देखिए इनका कहने का मतलब है कि अगर सपोज करो, हाय मैं बहुत छोटा सा हो गया, मतलब अगर सपोज करो कि ये इस तरीके से बना हुआ है ना, और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट देखते हो जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बना है, और जब भी मैंने ईस्टर्न घाट को ड्रॉ किया है तो तीन अलग अलग हिस्सों में तोड़कर इसको बांटा है, यही तो किया है ना। तो आपसे सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ईस्टर्न घाट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में, क्या बात कर दी, मैंने इसको तीन अलग अलग हिस्सों में बांटा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी तरफ लिखा है कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं ये बीच बीच में टूटे हुए होते हैं, नहीं भैया मैंने सीधे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो अपने आप क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये तो क्रॉस हो गया। ठीक है, पहला अरावली जो है वो पूरे विश्व की सबसे पुरानी है चट्टान, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली बात है राजस्थान में। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल बताइए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये चारों की चारों जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, हो सकता है। दूसरा लिखा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये एक तरीके का कोरल आइलैंड है और इसका जो एरिया है वो आपको केरला के पास के एरिया में देखने को मिलता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों? नर्मदा क्या है? ऐश्वरी बनाती है और ये अरब सागर की तरफ जाती है, गलत हो गया। दूसरा, अंडमान निकोबार जो है इसका एरिया केरला के साथ में बिल्कुल भी शेयर नहीं होता है, ये आपको ऊपर की तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ इंडियन ओशियन की लोकेशन देखने को मिलती है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी था, ये तो ऐसे ही कर लिए होंगे। भैया सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, और चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हो देन डू सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी रेफर किया करो कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दीज सेशंस, क्योंकि ये तो ऐसा है नहीं, अब तो घर पे ही बैठे हो,
घर पे बैठ के भी अगर अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज ना करो अच्छी तरीके से तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल वगैरह चल रहा था या कुछ ऐसे थे जिनके कॉलेजेस चल रहे थे, भाई अब तो बंद हो गया ना, तो अब तो समय पे क्लास में आना चालू करो। अभी भी तुमको वही रिकॉर्डेड मोड में देखना है तो प्लीज जस्ट चेंज दिस प्रोसेस, ठीक है। अगला, फॉर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, वॉट आर द रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन वैली प्लेट्यू एंड प्लेन्स। यानी कि मान लीजिए कि एक लैंड का स्ट्रक्चर है, अब इसमें माउंटेन वैली प्लेट्यू और जब प्लेन्स बनते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं, कोई ना कोई तो इसका रीजन होता होगा। तो जरा अगर हम बात करें रीजन के बारे में तो आइए देखते हैं क्या है रीजन क्या है। ड्यू टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस, यानी कि जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसका जो इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट होता है, इन दोनों की वजह से ये अलग अलग फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला देखो क्या लिखा है, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज नोन एज इरोजन। यानी कि अर्थ की जो सर्फेस है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है अगर वो हट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं, इरोजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू सर्फेसिस ऑफ अ अर्थ इज नोन एज डिपोजिशन। और अगर मान लीजिए किसी भी जगह पर अगर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा होता रहता है, बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहता है, तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर एक नई सरफेस बनके तैयार हो गई है। क्या ये दोनों बातें सही लिखी हैं, इरोजन और डिपॉजिशन की क्या डेफिनेशन सही लिखी हुई है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, दोनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अगला बताओ, आज पूरी मतलब ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलना, ठीक है। अगला सवाल, ऑन हूज माउंटेन्स वर देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ द आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं और रेंजेस क्या होते हैं ये पूछा गया। तो देखो, फ्रोजन एरिया जो होता है ऑब्वियसली बात है उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अरेंज इन अ लाइन, लाइन में अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। अगला, वॉट आर दोज माउंटेन्स आर कॉल्ड विच हैव रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसी जगह है जिसपे आपको कॉनिकल पीक मतलब इस तरीके से देखने को मिले, जैसे वो होती है ना आइसक्रीम खाने वाला कोन होता है, जब आप उसको पलट देते हो तो उसका ऊपर का हिस्सा ऐसा थोड़ा पॉइंटेड टाइप का, तो कॉनिकल पीक जो आपको देखने को मिलती है ना, तो ये किस टाइप का फीचर होता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, फोल्ड माउंटेन, जस्ट लाइक आर हिमालयस, ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। चलो अगला सवाल, इन विच ओशियन मुआना किया, कुछ याद आया ये कहाँ है, हवाई वाले एरिया पे है, कुछ याद आ रहा है? तो हवाई कहाँ पे मिलेगा आपको, पैसिफिक ओशियन के अंदर इसकी लोकेशन है। अगला, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट पूछा गया, ध्यान रखिएगा ये तिब्बत का पठार है। अगर आपसे पेनिनसुला पूछा जाता तो आप अरेबियन पेनिनसुला आंसर करते। अगला सवाल आपको बतानी है वाटरफॉल, ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाटरफॉल ऑफ प्लेट्यू एरिया, इसमें से कौन सी ऐसी वाटरफॉल्स हैं जो आपको पठार के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। आई नो ये लास्ट वाला कट रहा होगा, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, धुआंधार वाटरफॉल, क्या है, धुआंधार वाटरफॉल, जिसको हम क्लाउड ऑफ मिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है। यूजुअली आपसे ये पूछी जाती है श्रावती रिवर के ऊपर, कर्नाटका के अंदर इसकी लोकेशन है। इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2, यानी कि यहाँ पे हुंड्रो एंड जोग वाटरफॉल जो है ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, रिगार्डिंग द प्लेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है यहाँ पर, देखिए दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि मैक्सिमम जो मैदानी क्षेत्र होता है वो नदियों के द्वारा या फिर उसकी सहायक नदियां जो होती हैं उसके द्वारा बनता है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्लेन्स जो होते हैं ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको आबादी देखने को मिलती है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध स्टेटमेंट आ करें, सिंपल सी बात, ठीक है। अगला सवाल, यांगटेज रिवर, आप कहेंगे थैंक गॉड मैम कोई तो क्वेश्चन ऐसा हुआ जो हमें आता है, आया ना ऐसा वाला फील, चलो कोई बात नहीं। देखो NCERT आपको पढ़नी तो है, अगर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, जो कि अच्छा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। अगला सवाल, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अगर पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर घूर्ण कर रही है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं।
दूसरा लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि जो पृथ्वी है अगर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। सच सच बताना, तुम में से कितने ऐसे हैं जिनको आज तक इन दोनों का मतलब नहीं पता था। झूठ मत बोलना, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आज तो पता चली गया। समझ गए आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ द अबव। यानी कि अगर अर्थ अपने ही एक्सिस पे ऐसे गोल 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 घूम रही है तो वो रोटेशन है, लेकिन ये जो सन है यहाँ पे जो स्टेबल है, अर्थ जब इसके आसपास इस तरीके से घूम रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द एक्सिस, अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे कितने डिग्रीज पे टिल्टेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? 23.5 पे ये टिल्टेड है। अगला, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, आपसे पूछा जा रहा है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या चीज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा, द सर्कल ऑफ अ ग्लोब विच डिवाइड्स द टेम्परेचर, ऐसा कुछ है क्या? तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे, द सर्कल ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स द डे एंड द नाइट, इसका काम क्या होता है? डे और नाइट को डिवाइड करता है। ठीक है, अगला, वॉट इज द रीज़न फॉर द चेंज इन द सीजन, अब सीजन जो है वो क्यों चेंज होते हैं? अब आपको पता है कि सूरज की किरणें कहीं ज़्यादा होंगी तो गर्मी होगी, कहीं कम होंगी तो क्या होगा? सर्दी होगी, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सन के रोटेशन की वजह, मतलब सन की पोजीशन की वजह से होता है कि अर्थ पे आपको सर्दी और गर्मी जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए। अब देखो, क्लास को एंड करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज रात तक के लिए आपके पास में मौका है कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ वाज द सेशन? सब्सक्रिप्शन का प्रॉफिट क्या मिलने जा रहा है? भैया, आज रात तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, मान लो आपने एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर मान लीजिए कि आपने 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। मतलब ये वाला सीक्वेंस चल रहा है, पैसे नहीं बढ़े भाई, पैसा उतना ही है। एक साल के लिए फ़ी कितनी है? 6,000 रुपी। 2 साल के लिए फ़ीस कितनी है? 7,200। कोड क्या है? कृति10। ये बैच तो उन लोगों के लिए है जिनको अपनी SSC या रेलवे या सपोज करो NDA, CDS या RO का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, उन सारे बच्चों के लिए ये वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे पड़ा है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अनअकैडमी ऐप पे जाओ। अनअकैडमी ऐप पे जाने के बाद गोल में SSC सेलेक्ट करना, आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हो वहाँ पे SSC बैच के नाम से, सक्षम बैच के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप UPSC बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो UPSC का देखो इस बैच का प्रॉफिट क्या है। इस बैच का प्रॉफिट पे आते हैं, सीधे प्रॉफिट पे आते हैं। देखिए, एक साल की फ़ी कितनी है? 44,000 रुपीज़, राइट? आप जाते हो, आप बाहर मार्केट में जाते हो कितना अमाउंट होता है? कम से कम इतना तो चले ही जाता है, 3.5 लाख तो एक साल का खर्चा हो ही जाता है ना। बट ये आपको घर पे बैठ के नोट्स के साथ में, हर एक एजुकेटर के साथ में 44,000 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसके साथ में आपको नोट्स तो मिलेंगे लेकिन आपको 20 बुक्स का जो कंपाइलेशन है वो भी आपको आपके घर पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। आप चाहो तो एक साल के लिए, चाहो तो 2 साल के लिए, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोड क्या लगेगा? कोड विल बी कृति10। इसका लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम एक काम करते हैं, दोनों ही लिंक लगवा देते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑफर जो है ना वो आज तक के लिए हैं, दे विल एंड टुडे। ठीक है, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पूछेगा अप्लाई कोड, अप्लाई कोड में क्या लिखना है? कृति10 आपको मेंशन करना है और आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कौन से वाले एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, दोनों ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। SSC का लिंक SSC के नाम से है, UPSC का लिंक UPSC के नाम से। इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपका हर संडे को सुबह 11 बजे होता है। और अब मिलेंगे कितने बजे? सुबह 11 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।